डियर स्टूडेंट्स, जो हमने कल टॉपिक किया था सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, उसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन की डेफिनेशन लर्न की थी। आज जो हम कर रहे हैं उसका रूल नंबर वन करेंगे। देखिए रूल नंबर वन क्या कहता है, मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। जो ज़्यादातर नाउन होते हैं उनमें उनको हमने प्लूरल बनाना है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एस टू द एंड ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म की एंड में क्या बनाना है, प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना है, एस। ठीक है, आप समझे कि सिंपल है बिल्कुल, कि जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं उनके अंदर हमने उनको प्लूरल बनाना है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि उसके अंदर हमने एस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कार, कार का मतलब एक कार। ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि कार, एक कार, जब ज्यादा की बात हो रही हो तो हम इसको क्या कहेंगे, कार, सी ए आर एस। इसी तरह बैग, बैग का क्या बन जाएगा, बी ए जी एस, बैग्स। यहाँ पर लिखा है टेबल, वन टेबल, मोर बनाने हैं तो टी ए बी एल ई एस, टेबल्स। हाउस, हाउस एक हाउस, एच ओ यू एस ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हाउस। उसके बाद डॉग, डॉग के लिए हमने क्या यूज किया, डॉग्स। बॉय, बॉय के लिए क्या यूज हो जाएगा, बॉयज। टॉय, एक खिलौने की बात हो रही है तो ये बन गया टॉयज। बेड, बेड के लिए क्या होगा, बेड्स। हमने देखो सबके पीछे एस से ऐड किया क्योंकि ये हमारे सिंपल वर्ड्स है। रूम, रूम में क्या हो जाएगा, रूम्स। बाइक, बाइक का क्या बन जाएगा, बाइक्स। तो ये हमारे जो वर्ड्स है, कार, एक कार, कार्स लिखा मतलब ज़्यादा, बैग अकेला बैग, बैग्स लिखा ज़्यादा, टेबल, टेबल्स। इधर वाले जो वर्ड्स है वो हमारे सिंगुलर हैं और ये हमारे प्लूरल है। तो इनको आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और लर्न करना है। इस साइड हमने लिखना है सिंगुलर नाउन और इस साइड लिखना है प्लूरल नाउन। सिंगुलर लिख लेंगे एक साइड और उसके सामने उनके आंसर लिखेंगे प्लूरल में। तो आज हमने रूल नंबर वन किया है, कल हम इसका सेकंड रूल लर्न करेंगे।